नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सरकार बचाने का नहीं, भाजपा को सबक सिखाने का चुनाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने खरीद फरोख्त करके सत्ता हाथी आने चाहिए, लेकिन प्रदेश को जनता ने वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई है और वोट का अधिकार सबको दिया है। आजादी के 7 दशक और हजारों गुलामियों के बाद ये अधिकार आम जनता को मिला है और अब 1 जून को प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और इस बार जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। उन्होंने ऊना के झलेड़ा में राहुल गांधी की न्याय संकल्प सभा में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रदेश की सरकार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये चुनाव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सबक सिखाने का है। राहुल गांधी बोले, हिमाचल सरकार को चुरा नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का गोवा, अरुणाचल और मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होगा और हिमाचल प्रदेश की सरकार को नरेंद्र मोदी चुरा नहीं पाएंगे। ऊना में कहा कि जिस तरह से जनसभा में जनादेश मिल रहा है, उसे ये प्रतीत हुआ है और नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार और चोरी के बलबूते पर सरकारें चोरी करके बना रहा है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का सेंटर है और पंजाब और महाराष्ट्र में जो हालात नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं, अब वहां के भाजपा के नेता भी भाग भगाकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि 700 किसान अपने हक के लिए शहीद हो गए, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने के बाद किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा और जो जन विरोधी फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिए हैं, उन्हें फाड़कर रद्दी में फेंक दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर नाहन में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अडानी के कारण सेब के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। 3 दिन में मनाली पहुंचे 50,000 सैलानी, वीकेंड में दोगुना हुए पर्यटक, हिडिंबा मंदिर में भी लगा मेला। पर्यटन नगरी मनाली में वीकेंड में पर्यटकों की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 2 सप्ताह की तुलना में इस वीकेंड ज्यादा पर्यटक मनाली आए। 3 दिन में 50,000 से अधिक सैलानियों के मनाली पहुंचने का अनुमान है। पर्यटकों को लेकर 7500 से अधिक वाहन मनाली पहुंचे हैं। हिडिंबा मंदिर में रविवार को खूब रौनक रही। माता के दर्शन के लिए पर्यटकों की लंबी लाइन लगी। भीड़ होने के कारण कई पर्यटक बाहर से ही शीश नवाकर लौट गए। रोहतांग लाहौल घाटी के अलावा मनाली के मॉल रोड में पर्यटकों का मेला लगा। ग्रीन टैक्स बैरियर में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंचने लगा है। हिमाचल में अब 4 दिन लू का येलो अलर्ट, मतदान के दिन हल्की बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में अब 4 दिन गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में लू चल सकती है। 31 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 1 जून को मतदान के दिन प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया है। 27 से 30 मई तक शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 10 जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। रविवार को अधिकतम तापमान ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में 42.9, धौलाकुआ में 42.8, बरंटी में 41.2, हमीरपुर में 42.1 और कांगड़ा में 40.2 डिग्री दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान रविवार को कुकुमसेरी में 7.6 और केलांग में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।